प्रति। सो लास्ट क्लास में हमने आपको एक कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन हो गया वो यशुवांगी, ओके गुड। कितने लोगों से हो गया, कितने लोगों से नहीं हुआ, जिसे नहीं हुआ वो बोलिए। डाउट है उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन था कुछ इस तरह कि एक डिस्क था और इसके बाहर भी एक ऐसा डिस्क था, तो इसको बोलते हैं एनुलर डिस्क, है ना। तो इसका ये वाला जो सरफेस था डेट वॉज सॉलिड, डेट वॉज सॉलिड, और इसका रेडियस दिया गया था ए, और इसका जो आउटर रेडियस था डेट वॉज बी, और हमें निकालना था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। और ये जो मास था यहां का, है ना, दैट इज सिग्मा, दैट सिग्मा इज के इंटू आर स्क्वायर, ऐसा था कुछ। सिग्मा क्या था, के आर स्क्वायर था क्या, के एक्स स्क्वायर, ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो ये था हमारा सिग्मा, तो हमें इसका निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताइए किसको किसको डाउट है, किसी को डाउट है तो बोलिए। सबने बना लिया, ट्राई नहीं किया होगा। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया है, के पाई बाई थ्री बी रेज टू पावर सिक्स, ओके आपका आंसर आया है के पाई बाई थ्री बी रेज टू पावर सिक्स माइनस ए रेज टू पावर सिक्स, ऐसा कुछ है क्या, यही है ना, ओके लेट्स चेक इट आउट। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है उनके लिए देख लेते हैं। तो हमें इसका कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बात नहीं वर्षा, ट्राई किया ना, दैट्स एनफ, वी शुड एटलीस्ट ट्राई। सो हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेरिएबल है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट होता तो शायद डायरेक्ट फॉर्मूला से इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करते हैं जिसका थिकनेस हो जाएगा dx। दिस इज द रिंग सपोज टू बी द रिक्वायर्ड एलिमेंटल रिंग, इसका थिकनेस कितना हो जाएगा dx के बराबर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा x के बराबर। सो दिस विल बी द x एंड इट्स थिकनेस विल बी, थिकनेस विल बी dx। फिगर समझ में आ रहा है या फिर, अच्छा इसको 2D बनाता हूं, फिगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रही होगी। देखिए ये एक डिस्क है और ये एक आउटर डिस्क है, इसका रेडियस था ए, इसका रेडियस था बी, और ये जो वैल्यू दिया गया था सिग्मा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करते। अब डिस्क के केस में रिंग ही तो कंसीडर करते थे, इसलिए मैंने बोला था ग्रेविटेशन के समय कि ये एलिमेंट लेने का तरीका आप लोग याद कर लीजिए या इतना प्रैक्टिस करिए कि याद हो जाए, है ना। सो डिस्क के लिए हम लोगों ने जो एलिमेंट लिया दैट इज अब थिकनेस dx, तो ये थिकनेस हो गया dx और ये जो रेडियस हो गया दैट इज x। सो इस एलिमेंटल रिंग का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा dm।
सो डीएम इज इक्वल टू कैलकुलेट कैसे करेंगे, डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन में सिग्मा दिया गया है, डीए कैलकुलेट करना है। डीए मतलब क्या हो जाएगा, डैट विल बी द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ, है ना। अगर नॉर्मली एक सर्कल का एरिया निकाला जाए तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल तो है नहीं, ये क्या है, एक रिंग है। तो रिंग को अगर मान लीजिए यहां से बीच से काट दिया जाए तो ये रिंग आपको कैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल की तरह, है ना। रिंग को कट करके और स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ऐसा खींच दीजिए उसको, तो ये कैसा दिख जाएगा, एक नॉर्मल रेक्टेंगल की तरह, जिसका थिकनेस कितना हो जाएगा, दैट विच विल बी इक्वल टू द डी एक्स एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स। अब 2 पाई इंटू एक्स क्यों लिया, वाई, बिकॉज ये एक सर्कुलर रिंग है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसके पेरीमीटर के बराबर। हेलो, लाइट भी गई, अच्छा दिख रहा है क्या आप लोगों को, ओके 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 कौशिक, थैंक यू। आज का क्लास फिलहाल 10 में चलने वाली है, ठीक है, देखते हैं। सो दिस विल बी द 2 पाई x इंटू dx। हाँ लगेगा, लाइट चली गई, बारिश तेज हो गई है, सो आई विल अरेंज समथिंग, तब तक इसको कर लेते हैं, अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, दैट dA विल बी इक्वल्स टू 2 पाई x इंटू dx, 2 पाई x इंटू dx। चलिए, तो हम लोग डीएम मास में क्या कर देंगे, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देते हैं और डीए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा डीएम इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दैट इज सिग्मा, और डीए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई x इंटू dx। ओके, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई के एक्स क्यूब इंटू dx। ये हो गया हमारा क्या, मास इज इक्वल टू डीएम, डीएम मास। ओके, चलिए, अब जब हमें एलिमेंटल रिंग का मास मिल गया तो एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी निकाल लेते हैं। सो डीआई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, डीआई इज इक्वल टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, एमआर स्क्वायर या एमआर स्क्वायर बाई टू, ओनली एमआर स्क्वायर, ओके करेक्ट। सो इट विल बी डी एम इंटू आर की जगह क्या लेंगे, यहां पर रेडियस एक्स है तो ये हो जाएगा डीएम एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और इनको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया विल बी 0 to i और एक्स का जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा a to b। सो अब dm का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से dm का वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल लिमिट a टू b, और ये हो जाएगा 2 पाई के एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 5 इंटू dx। ये मैंने यहां पर डायरेक्ट कर दिया है, सोचिएगा जरा, dm के जगह क्या आएगा, 2 पाई के एक्स क्यूब, है ना, और यहां पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 5। 2 पाई के टर्म तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाता है, इंटीग्रल से बाहर निकल के आ जाता है। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल a टू b, इंटीग्रल नहीं, अब डायरेक्ट लिमिट ही लगाते हैं, इंटीग्रेशन लग जाएगा आपका a टू b। तो इसको आप लोग जो सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 3 के बी 6 माइनस ए 6, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर,
एक मिनट मैं लाइट के लाइट लेके आता हूँ। थोड़ा ये साइड कर रहा है पर ठीक है, बीच पर है एटलीस्ट। हो गया क्या ये? बाकी लोग का भी हो गया? चलिए ये हॉरर मूवी जैसा लग रहा होगा। चलिए ठीक है, सो नेक्स्ट। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग करिए, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ हिस्सा, शायद क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा। इन सबका लेंथ है एल और मास है एम। हर एक रॉड का लेंथ है एम, लेंथ है एल और मास है एम। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस पॉइंट। दिस इज एल कॉमा एम, दिस इज एल कॉमा एम, दिस इज एल कॉमा एम। तो इसको कैलकुलेट करिए और बताइए व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। अभी ठीक है सर, हाँ अभी दिख रहा है। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ? सबके साथ रॉड है ना, आया क्या? बन रहा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकलना होगा। डेट इज द वन ऑफ द इन ऑफ टू रॉड। बोर्ड क्लियर है ना, दिख रहा है ना सबको?
इसमें कोई डेटा कम है क्या? कोई डेटा इसमें कम लग रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? एंगल, एंगल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, सो अगर डेटा कम पड़ रहा है तो ठीक है, एंगल एज्यूम कर लीजिए, दिस विल बी द 60 डिग्री एंड दिस विल बी 60 डिग्री ऑल्सो। अब करो, ठीक है अभी? हाँ, इसका मास m है और इसका लेंथ l है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट दिस एक्सिस ए ए डैश। सो ए ए डैश एक ही प्लेन में, ए ए डैश जिस प्लेन में ये दोनों रॉड रखे गए हैं उसी प्लेन में ए ए डैश भी है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर टू, है ना। चलिए, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क होगा दैट विल बी दिस वन, आइडेंटिकल रॉड है सबके सब, हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ओ, दिस इज एम कॉमा एल। So we have to calculate the moment of inertia about center O. Calculate करिएगा, हो जाएगा। Question number थ्री। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि moment of inertia का हम लोगों ने बहुत सारे question solve कर लिए हैं। अगर आपको लगता है और भी question करना चाहिए तो बताइए, नहीं तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं torque and then angular momentum. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और भी क्वेश्चन करना चाहिए क्या? ओके, सो चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, भी अदार हो गए सर। कौशिकी, लेखिका, प्रगति, रौनक, सालू, श्रेया,
सुरभि, सुरखि, तन्या, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओके सो अभी लेकिन क्या आप आराम से करिएगा, सॉल्व करके आप लोग ग्रुप में सेंड कर दीजिए, है ना? ओके प्रगति, ठीक है कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करिए, वो होमवर्क है, आप घर पे आराम से सॉल्व करिए। सो आगे ये बताइए कि आप लोगों को और भी क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कॉन्फिडेंस आया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तभी जाकर के बाकी कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं बन रहे तो और भी असाइनमेंट देंगे वो क्वेश्चन। अच्छा प्रगति थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टॉर्क। ये आप लोग बहुत पहले से जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, है ना? सो टॉर्क हम लोग पहले से ही जानते हैं, टॉर्क होता क्या है? बेसिकली टॉर्क इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ एनी फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब मोमेंट मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट किसी फोर्स के कारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, है ना? सो टॉर्क इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला हो जाता था वो हो जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। सो ये इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सो बेसिकली जो टॉर्क होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा कोई बताए हमें कि ये कौन सा वेक्टर होता है, व्हाट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, टॉर्क कौन से टाइप का वेक्टर होता है? एंगुलर वेक्टर शिवांगी, नहीं दैट इज एक्सियल वेक्टर, है ना? सो रोटेशन में जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे वो सब एक्सियल वेक्टर ही मिलेंगे, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सब के सब एंगुलर एक्सियल वेक्टर ही होते हैं। अब एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अपने प्लेन में ऐसा, मान लीजिए ये रोटेट किया ऐसा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना? एक्चुअली पार्टिकल का मूवमेंट एक्सिस के अलोंग नहीं होता, जैसा कि हम लोग लीनियर में देखते थे कि एक ऑब्जेक्ट मूव किया इस डायरेक्शन में तो बोल दिया वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर, है ना? एक ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा तो बोल देते थे कि एक्सेलरेशन का वेक्टर इधर है, डायरेक्शन इधर है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक्चुअली कोई भी मूवमेंट अलोंग द एक्सिस नहीं होता, बट जो डायरेक्शन होता है दैट इज अलोंग द एक्सिस ही होगा। तो थोड़ा सा लीनियर से ये रोटेशनल का एक्सियल वेक्टर आपको अलग दिखेगा, पर कंफ्यूज मत होइएगा सर यहां पर तो कोई डायरेक्शन में मूव ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ तो इसका डायरेक्शन कैसे हो सकता है? तो ये एक्सियल वेक्टर है, ये ऐसा ही है। ओके सो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये आर वेक्टर क्या होता है और एफ वेक्टर क्या होता है? सो आर वेक्टर इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर, ठीक है? सो आर वेक्टर इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एंड दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। इसमें कोई भी एक पॉइंट पर सपोज दैट आप एक फोर्स लगा रहे हो, दिस इज एफ वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर, है ना? सो इस पॉइंट का टॉर्क, इस पॉइंट पर टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ये कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी योर ओरिजिन एंड दिस इज योर आर वेक्टर, है ना? या बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो इसका अगर हमें लिखना होगा कि व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब चूंकि ये क्रॉस वेक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में लिखना होगा तो मोड ऑफ आर वेक्टर, मोड ऑफ एफ वेक्टर इनटू साइन थीटा। अब ये थीटा क्या हो जाएगा, दैट थीटा विल बी द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। सो अगर मैं आर वेक्टर को, एंगल हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते थे,
जब तक दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट ना हो तब तक हम लोग एंगल नहीं लिख पाते थे। यहां पर क्या है, एफ वेक्टर का टेल है और आर वेक्टर का हेड है, इसका मतलब ये वाला एंगल नहीं होगा, ये एंगल नहीं होगा, ये गलत है ना। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे ऐसे, है ना। सो पोजीशन वेक्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ दिस एंगल विल बी योर थीटा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ये क्लियर है क्या सबको, जो एंगल लिया जाता है वो वेक्टर में तभी लिया जाता है जब दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो लाइक दिस, है ना। ये हेड है, ये हेड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, तब जाकर के ये थीटा लिया जाएगा, ना कि ये वाला थीटा रहेगा, है ना। एक तो छोटा वाला एंगल कंसीडर करते हैं, दूसरा दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड होना चाहिए। सो दिस विल बी एंगल थीटा। सो इस पॉइंट का जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा आर क्रॉस एफ, ओके। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द टॉर्क। सो यूनिट इसका हो जाएगा, यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आर का हो जाएगा मीटर और एफ का हो जाएगा न्यूटन। सो यूनिट विल बी न्यूटन इंटू मीटर, है ना। अच्छा, न्यूटन मीटर और किसका यूनिट होता है, न्यूटन मीटर और किसका यूनिट होता है, वर्क का। यस प्रगति, वेरी गुड। सो न्यूटन मीटर वर्क का भी होता है और टॉर्क का भी होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल नहीं होगा, है ना। दिस इज ओनली न्यूटन मीटर। सो वर्क का और टॉर्क का दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। व्हाट विल बी द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, जो वर्क का डायमेंशन होता था वही टॉर्क का भी हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, करेक्ट। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। अच्छा, तो ये सब तो हो गया प्रॉपर्टी टॉर्क का। टॉर्क क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है, कौन सा हो जाएगा, ये एक्सियल वेक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर, डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, यहां पर साइन ऑफ थीटा है, इसका मतलब थीटा हमें नोन होना चाहिए, और अगर थीटा नोन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको थीटा नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, इसको रब करता हूं। देखिए, थीटा नोन नहीं दिया है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल सके। अच्छा, थीटा तो देना ही पड़ेगा, किसी भी फॉर्मेट में थीटा आपको देना ही पड़ेगा। सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर का दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कौन कौन सा, एक along this r position vector and second one perpendicular to position vector, perpendicular to position vector. So along this position vector ये क्या हो जाएगा, f cos theta, f cos theta, और perpendicular to position vector क्या हो जाएगा, f sin theta. तो हम लोग इसको ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, r into f perpendicular, R into F perpendicular, है ना। तो ये भी एक फॉर्मेट हो जाएगा लिखने का। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान देने वाली बात यह, जब भी आपको किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क निकालना है ना, तो ये नोट है, जब भी आपको किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क निकालना है, देन टॉर्क should be taken, torque should be taken about, taken about axis of rotation, axis of rotation, sorry, axis of rotation or दूसरा क्या, a point
और अ पॉइंट हुज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज जीरो, हुज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना। तो जब भी हम लोग टॉर्क निकालेंगे वो किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, या तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, दूसरा एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है या वो रेस्ट पर हो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसी पॉइंट के अबाउट निकाल ले हम लोग टॉर्क, तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये डिस्क है और ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ना, सो इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। हम लोग जब इसका टॉर्क निकालेंगे तो डेट कैन बी कैलकुलेटेड अबाउट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, या बाहर किसी के फ्रेम के अबाउट निकाल सकते हैं जो पॉइंट रेस्ट में हो, है ना। एक्सटर्नल कोई भी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल सकते, करेक्ट। हम लोग इस पॉइंट के अबाउट नहीं निकाल सकते, ये जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया, लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, इट हैज सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क नहीं निकालेंगे। तो जब भी आपको टॉर्क निकालना होगा तो आप निकालेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, या एक ऐसा पॉइंट जो कि रेस्ट में होता है या उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉर्मली जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होते हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होता है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास रोटेशन नहीं करता, ये आपको पता है, स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट क्लास में। तो सेंटर ऑफ मास का रोटेशन नहीं होता है, उसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होता है, तो टॉर्क हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको, ये पॉइंट क्लियर है क्या? ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉर्क ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एक्सिस विल बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑफ फोर्स whose line of action passing through axis torque of force whose line of action passing through axis will be zero। इसका मतलब क्या होगा, सपोज दैट आपने इसके एक एक्सिस लिया है ना, और यहां से कुछ दूरी पर लेट्स से एट द डिस्टेंस ऑफ, या आर वेक्टर बोल सकते हैं, डायरेक्ट आर वेक्टर, यहां से एक फोर्स लग रहा है ना, लाइक दिस विल बी योर एफ वेक्टर, है ना। तो अगर हम लोग एफ वेक्टर ले लिए और ये हमारा है आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, एंड जब हम लोग r वेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ, देन दिस विल बी द एंगल थीटा। सो फोर्स का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द r वेक्टर, दैट विल बी द f cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज f sin थीटा, है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है f cos थीटा, दैट इज पासिंग थ्रू दिस एक्सिस, इस एक्सिस को कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, है ना। So, अगर इसको ये जो लाइन बन रहा है ना फोर्स का, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के थ्रू पास होगा तो इस फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा विल बी जीरो। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ टॉर्क। ये हो गया, तो कुछ अब एग्जांपल करते हैं, हो गया ये,
किसी को कोई डाउट है इसको समझने में, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं, नो रेस्पॉन्स, क्लियर, ओके प्रगति, ठीक है। सो चलिए कुछ अभी एग्जांपल करते हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके चालू, थैंक यू। चलो यू आर फ्रॉम बेगूसराय, हाँ ओके। चलिए सो एक एग्जांपल है सबसे बेसिक वाला, ओके नो प्रॉब्लम। सो हियर इट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड देयर इज अ पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 1, 2, 1 है ना, एंड अ फोर्स एफ वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अप्लाइड ऑन इट। सो फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। फटाफट बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, अगर वेक्टर आपको आती है थोड़ी बहुत भी तो यू कैन सॉल्व इट, डू इट फास्ट। हो रहा है क्या? कर सकते हैं ना, माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप, तो आंसर आ गया है माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप। सो अभी मैं बता रहा हूं, आप लोग चेकआउट करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ओरिजिन के अबाउट इसका पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर लिख लेंगे। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है, ओके लेखिका लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, बोले तो 1 माइनस 0 दैट इज i कैप प्लस 2 माइनस 0 दैट इज 2j कैप दैट इज प्लस k कैप। सबका आंसर सेम आ रहा है तो आई होप कि सबका करेक्ट ही होगा, पर चेकअप कर लेते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स मेथड, दैट इज आई कैप जे कैप एंड के कैप, पुट इट डाउन हियर, राइट द वैल्यूज ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। सो आई विल राइट हियर 1, 2 एंड 1 करेक्ट। नाउ फॉर एफ वेक्टर, एफ वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, तो इसका मैट्रिक्स निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, तो क्या हो जाएगा आई कैप, इसको
कॉलम क्लोज, रो क्लोज, टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, तो दिस विल बी आई कैप, माइनस जे भी लिख सकते हैं, प्लस जे भी लिख सकते हैं, लेकिन आई डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, है ना। सॉल्व करते समय आप माइनस जे भी लिख सकते हो, माइनस जे इसलिए लेते हैं क्योंकि एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो आप अलग अलग फॉर्मेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जे लेके करना है, माइनस जे लेके ही करिए, चलिए माइनस जे ही लेते हैं, माइनस जे, है ना। तो माइनस जे जब लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस जे और प्लस जे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप माइनस जे लोगे तो क्या करेंगे, ये माइनस वन माइनस वन, दैट इज माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस जे कैप प्लस के कैप, के कैप का कोफिशियंट और ये वाला कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ऑफ माइनस टू, वन माइनस ऑफ माइनस टू, है ना। तो यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद, वो ऊपर लिखते हैं, देखिए तो यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस टू माइनस वन, दैट विल बी द माइनस थ्री, ओके। माइनस जे कैप में क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कट करके जीरो, तो ये तो हो गया जीरो डायरेक्ट, तो थ्री आई कैप और प्लस थ्री के कैप, ये हो जा रहा है आंसर। लेकिन अगर आप माइनस साइन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो जानते हो इसको कैसे लिखना है, देखिए अगर आप माइनस साइन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो यहां पर अगर प्लस जे लेंगे, मैं इसके लिए स्पेशली बता रहा हूं, है ना, अगर जे कैप प्लस में लेंगे तो क्या करते हैं, इसके आगे वाले लाइन को फॉलो करते हैं। जब माइनस लेते हैं तो क्या करते थे, ये माइनस ये करते थे, है ना। लेकिन जब हम लोग प्लस जे लेंगे तो ये माइनस ये करेंगे, है ना, आगे वाला लाइन, आगे वाले सीक्वेंस को फॉलो करने लगते हैं। सो इट विल बी बिकम माइनस वन और माइनस ऑफ माइनस वन, तो ये प्लस के कंडीशन में होगा। सो कंफ्यूज मत होइए, प्लस वाले फॉलो ही मत करिए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, दैट्स इट, एक ही मेथड को ही फॉलो करिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए अच्छा, क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा सा उसमें और भी एक्स्ट्रा एडिशन आपको कर देते। मान लीजिए आपका जो एक्सिस था वो ऐसा था और ये था पॉइंट, दैट इज वन कॉमा टू कॉमा वन, और फोर्स वेक्टर दिया गया था कितना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये दिया गया था फोर्स वेक्टर। अब हमें निकालना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इफ दिस इज पॉइंट पी, लेट से दिस पॉइंट क्यू, और क्यू इज इक्वल टू है वन कॉमा वन कॉमा वन। सो हमें निकालना है नाउ टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू, तो क्यू पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताइए। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया है। बोलिए कर सकते हैं ना, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें वेक्टर का खेल है, फिजिक्स तो इसमें कुछ है ही नहीं, फिजिक्स इतना ही था टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज द फिजिक्स। इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स, वेक्टर आती है तो ठीक, नहीं आती है तो फिर गड़बड़। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको वेक्टर का रिवीजन करने की जरूरत है या नहीं है। जल्दी जल्दी, आई कैप ओनली, ओके, इतना आसान। शुभांगी माइनस आई कैप प्लस के, ओके
दो आंसर आ गया आई कैप और माइनस आई कैप प्लस के कैप। और कोई नहीं? चलिए सो कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू चालू माइनस आई कैप लेखिका माइनस आई कैप प्लस के कैप। सो लेट्स चेक इट आउट, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, दैट विल बी द जीरो आई कैप, जीरो आई कैप प्लस टू माइनस वन, दैट विल बी द जे कैप वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा जीरो वगैरह, इट विल बी द जीरो के कैप। सो इट्स वेरी सिंपल, ये तो आगे आर वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप ओनली, और एफ वेक्टर ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो एफ वेक्टर क्रॉस, सॉरी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। सिर्फ आई कैप कैसे आ गया आप लोगों को, कैंसल हो गया मुझे। देखो जे क्रॉस आई याद है, ये इस तरह का, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, जे क्रॉस आई दैट इज जे क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप, तो इट विल बी द माइनस ऑफ के कैप। ओके तो जे क्रॉस जे ये तो हो गया जीरो। अच्छा जे क्रॉस माइनस ऑफ के, तो माइनस साइन तो बाहर निकाल लिया, दैट विल बी द जे क्रॉस के। सो जे क्रॉस के हम लोग जे क्रॉस के कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आई कैप आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप प्लस के कैप, करेक्ट वर्क। क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए क्या, आई कैप कैसे आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर है लाइक दिस और इस पर फोर्स लग रहा है, यहां पर लग रहा है एफ इक्वल टू 30 न्यूटन, यहां पर फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू 20 न्यूटन, यहां पर फोर्स लग रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन और ये स्क्वायर प्लेट है, सो लेंथ इज इक्वल टू लेट्स अज्यूम 2 मीटर, देन फाइंड टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, है ना, दिस इज टॉर्क ए बी, तो टॉर्क ए बी बताइए, व्हाट विल बी द टॉर्क अबाउट ए बी। क्वेश्चन समझ में आया ना, स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ है 2 मीटर और इसके थ्री कॉर्नर्स पे फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन दिया गया है, ओके सॉल्व इट। आसान है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन है, आया क्या? इतना टाइम वन ट्वेंटी यूनिट के साथ प्रगति, यूनिट कौन बताएगा,
हाँ करेक्ट, कालू का भी आ गया सेम 120। ओके बाकी लोग स्लो मोशन में हो गए। चलिए सो लेट्स चेक इट आउट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए ये एक्सिस है ना, और इस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। सो इस फोर्स का अगर हम लोग लाइन ऑफ फोर्स निकालेंगे, लाइन ऑफ फोर्स मतलब इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो देखिए ये एक्सिस को कट कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसका नाम दे दू F1, इसका नाम देता हूं F2 और इसका नाम देता हूं F3, सो टॉर्क ड्यू टू F1 क्या हो जाएगा, जीरो। सो टॉर्क ड्यू टू 1 ये हो जाएगा क्या, जीरो। टॉर्क ड्यू टू 2 F2, सो इसके वजह से अगर हम लोग इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है 2 मीटर, है ना। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 न्यूटन का कितना आ रहा है डिस्टेंस, दैट इज द 2 मीटर। सो टॉर्क 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ इंटू 20 × 2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर। एंड अगेन अगर मैं इस फोर्स का बात करूं तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये वाला है, और ये भी कितना है 2 मीटर के बराबर है, दैट इज 2 × 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, दिस इज टॉर्क 3, तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 इज इक्वल टू 60 न्यूटन मीटर। यस शुभांगी करेक्ट, 60 न्यूटन मीटर। यस लेखिका करेक्ट। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन हो जाएगा आपका किस डायरेक्शन में, अलोंग द क्लॉक, दैट इज क्लॉक वाइज, है ना। यस क्लियर, ये हो गया चालू एंड प्रगति। 120 किधर से लेके आ गए, अच्छा 30 × 2 भी कर दिए थे क्या, तो 60 + 60 120 आ जाएगा। ओ हाँ ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन आपको एक स्क्वायर प्लेट ही दे रहा हूं, क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इसमें। दिस इज योर स्क्वायर प्लेट, और इस बार ये जो फोर्स लग रहा है दिस इज ऑल्सो F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, है ना। और ये जो फोर्स है ना, ये प्लेन के साथ ऐसा रहेगा, दिस विल बी F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन एंड दिस एंगल विल बी से 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, सो दिस फोर्स इज आउट ऑफ प्लेन, समथिंग लाइक दैट। अगेन दिस फोर्स इज ऑल्सो मेकिंग एंगल 30 डिग्री, और ये F3 इज इक्वल टू हो जाएगा वंस अगेन 10 न्यूटन। क्वेश्चन सब कुछ वही है, एक्सिस सेम है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी टॉर्क, लेंथ भी 2 मीटर। तो क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करा दूं, देखिए ये आपका एक स्क्वायर प्लेट हो गया है ना, एंड दिस विल बी योर एक्सिस अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, और जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, ये देखिए ये इसका अलोंग द प्लेन होगा, ये जो फोर्स दिया गया दैट इज F2, ये कुछ ऐसा एंगल बना रहा है ना, प्लेन के साथ ये एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्री, और जो F3 है दैट मेक्स एंगल लाइक दिस, तो वो इस तरह का एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, देखिए
अगर ये एक्सिस है तो ये वाला फोर्स ऐसा अलोंग द प्लेन लग रहा है, यहां पर फोर्स इस प्लेन के साथ एंगल बना रहा है लाइक दिस, है ना, और ये वाला फोर्स ऐसा एंगल बना रहा है इन द प्लेन। तो ये वाला फोर्स को प्लेनर है, इन द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर प्लेट है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये फोर्स आउट ऑफ द प्लेन है और ये को प्लेनर है अलोंग द प्लेन। तो सॉल्व करिए, सबको समझ में आ गया ना, किसी को डाउट होगा तो बोलिएगा। नहीं नहीं लाइट खतरा में नहीं है। आया क्या? 10√3 न्यूटन मीटर। ओके बाकी लोग बताइए, 10√3 न्यूटन मीटर। सॉल्व करूं क्या? चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये कोप्लानर है, इसका मतलब इस फोर्स का दो कंपोनेंट आ जाएगा। एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग दिस लाइन ऐसा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस अलोंग दिस लाइन, है ना। सो ये जो आ जाएगा दैट विल बी द एफ साइन 30, और ये जो फोर्स आ जाएगा ये आ जाएगा कितना, F3 cos 30 और F3 sin 30। सो इस फोर्स का दो कंपोनेंट आ गया अलोंग द प्लेन। ये देखिए, ये प्लेन कुछ ऐसा उठा हुआ है ना, तो इसका भी दो कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वन विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अनदर विल बी द इन द प्लेन। तो इन द प्लेन कितना आ जाएगा, दैट विल बी द F cos 30, दैट इज F2, और ये कितना आ जाएगा F2 sin 30, और ये तो बेचारा स्ट्रेट लाइन है ही, इनका कुछ करना ही नहीं है। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट है तो आगे सॉल्व करेंगे। किसी को डाउट ये कैसे किया, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके शुभांगी, प्रगति, शालू, क्या हुआ, आयुषी, आकांक्षा, श्रेया, सुरुचि, तान्या, क्या है, कोई डाउट है तो बोलिए, यस नो कुछ तो। नहीं, ओके ठीक है, तो एटलीस्ट यस नो तो बोलो तुम लोग। यस गलत, ठीक है। सो अब इन फोर्स को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस को कट कर रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन इसके वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म। तो टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे, पहले वाले की वजह से जीरो हो गया। अच्छा अब फोर्स नंबर टू पर आते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो कंपोनेंट आया अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब इसके वजह से भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क सिर्फ किसके वजह से आएगा, ये परपेंडिकुलर फोर्स के वजह से, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी द F2 sin 30 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर कितना हो जाएगा, आर देखिए यहां से लेकर के यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है आर, सो दैट विल बी द 2√2। अब इसका आर का वैल्यू किसी ने ये तो नहीं एज्यूम कर लिया है ना,
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, नहीं, लाइन ऑफ एक्शन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, जो आपका फोर्स है उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से निकालिए। तो ये आपका एक्सिस ऐसा है और ये जो फोर्स लग रहा है एफ टू साइन थर्टी ये ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में ये जो दूरी आएगा डेट विल बी द इक्वल टू द टू रूट टू के बराबर होगा। ये मैंने एक्सिस ए बी यहां पर ड्रॉ किया है ना, तो दिस विल बी द टू रूट टू। नाउ नेक्स्ट प्लस एक बात बताऊं, ये हो जाएगा गड़बड़। आप पूछो कैसे, ये ऐड नहीं कर सकते, ये ऐड नहीं कर सकते। देखिए क्यों, एक तो आगे चलो पहले निकाल लेते हैं, टॉप टू टॉप थ्री निकालते हैं, इसके वजह से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ टू एफ थ्री कॉस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का और ये लाइन ऑफ एक्शन, इसके वजह से तो टॉर्क जीरो, तो ये वाला जीरो, सिर्फ और सिर्फ कॉस किसके वजह से आ जाएगा, सिर्फ एफ थ्री कॉस 30 की वजह से, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन से कितना है 2 मीटर। तो टॉर्क 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ थ्री कॉस 30, एफ थ्री कॉस 30 प्लस प्लस इसको हम लोग ले लेंगे इंटू, प्लस क्यों किया, एफ थ्री कॉस 30 इंटू टू 2 मीटर। तो ये दो टॉर्क आ गया, लेकिन दोनों टॉर्क को ऐड नहीं कर सकते, कोई बताएगा मुझे क्यों, वी कांट डायरेक्टली ऐड इट, वेक्टर आएगा। यस शुभांगी, ये वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन अलग अलग है, हाँ डायरेक्शन डायरेक्शन इसके अलग अलग हो जाएंगे। देखिए ये अगर हमारा प्लेट था, हाँ तो इस फोर्स की वजह से इसका रोटेशन ऐसा है ना, और इस फोर्स की वजह से इसका रोटेशन ऐसा है, तो ये अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऐसा कर रहा है। यस लेखिका, तो डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम दोनों वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो शुभांगी आपने गलत कर दिया वहां पर, ये ऐड नहीं करना था, तो हमको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट वर्क। तो इसको यहीं तक रख देते हैं, ये ऐसा ही है ना, दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, तो टॉक नेट निकालना करेक्ट नहीं होगा। अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस और ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस, है ना, क्या बोला, अच्छा ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब अगर हम लोग ये आर वेक्टर कैलकुलेट करें, अगर हम लोग ये आर वेक्टर कैलकुलेट करें तो आर क्रॉस एफ होता है, आर के अलोंग हम लोगों ने पाम कर दिया और जेड एक्सिस के अलोंग फिंगर को कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन किधर आ जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस आएगा क्या, ओके सो टॉर्क टू का जो डायरेक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अलोंग जे कैप। अच्छा अब इस फोर्स के वजह से निकालते हैं, देखिए आर का अलोंग द वाई एक्सिस होगा है ना, और फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग जेड एक्सिस, तो यहां पर ये आ जाएगा के कैप। सो अब इन दोनों को ऐड करके ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, आई बात समझ में, क्लियर, ओके। चलिए ये थोड़ा सा अनजाने में आपको टफ क्वेश्चन दे दिया चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग ऑफ सीसो, है ना, तो सीसो को हमको बैलेंस करना है, उसके लिए एक एग्जांपल है। देखिए मान लीजिए आपको सीसो दिया गया है, सीसो मतलब जानते हो ना, वो झूलने वाला, सो ये हो गया फेलकोम। अच्छा नेक्स्ट क्लास भी है, बड़ी पढ़ रहे हो तुम लोग आजकल, चलो ठीक है इसका एग्जांपल लिख लीजिए। देख लो यहां पर बैठे हैं मोदी जी और यहां से आ रहे हैं राहुल गांधी, ठीक है, सो ये चलते हुए आ रहे हैं इनको,
अब यहाँ पर ये पहले से बैठे हुए हैं, इनका वजन कुछ मान लीजिए हेल्दी है 60 kg, और ये बेचारा वीक आदमी, इनका भी वजन कुछ मान लीजिए 50 kg, है ना। सो हाँ कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हो। सो लेंथ ऑफ दिस सी सॉ इज 5 meter, लेंथ ऑफ दिस सी सॉ इज 5 meter, ओके, एंड दिस फल्क्रम इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, ओके। सो ये भाई साहब मोदी जी पहले से ही बैठे हुए हैं यहां पर, तो ये कैसा हो जाएगा, इधर की तरफ बेंड हो जाएगा। अब इनको आकर के क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। सो ही हैज टू बैलेंस दिस सी सो, फॉर बैलेंसिंग, लाइन भी आ गया क्या, फॉर बैलेंसिंग सी सो व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम इंड ए। सो ये इंड ए है एंड दिस इज इंड बी। सो इंड ए से इनका गांधी जी का पोजीशन क्या होगा, सो डेट ये सी सो बैलेंस हो जाए। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ये? हाँ ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए से इनका पोजीशन क्या होगा कि ये सी सो बैलेंस रहे, किधर भी ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व इट नेक्स्ट क्लास में। आपको शायद मैंने 3 homework दे दिए, तो 3 homework नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा। सो टिल देन बाय बाय। किसी को कोई डाउट है, जिसको जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को डाउट है? हाँ जी साइड, हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। ओके हो गया ये। क्लास कब खुलेगा पता नहीं, ये भी मोदी जी बताएंगे, सॉल्व करके पता कर लेना। चलिए सो आपको 4 questions है, फटाफट सॉल्व करके आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा इसका आंसर। ओके चलिए बाय बाय।